અરવલ્લી જિલ્લામાં બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવીનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો છે। બિલોડાના ધારાસભ્યના ઘરે થયેલ લૂંટનો મામલો સામે આવ્યો છે। ધારાસભ્યના ધર્મ પત્નીને બંધક બનાવીને આ લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી, ત્યારે 16 લાખ થી વધુ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી। ધારાસભ્યના ઘરે રસોઈ કામ સાથે જોડાયેલ નીકળ્યો હતો ચોર। બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવી ફરાર થયેલ આરોપી ઝડપાઈ ગયો છે। અરવલ્લી જિલ્લા SCB એ 3 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે। કુલ 7 લાખ થી વધુ રૂપિયાના મુદ્દામાં 7 આરોપીઓ ઝડપાઈ ગયા છે। એક આરોપી પોલીસની પકડથી હાલ દૂર છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, ચોરીનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો છે। બંધક બનાવીને ધારાસભ્યના ઘરમાં જે લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી તે ચોરીનો ભેદ હાલ ઉકેલાઈ ગયો છે। બિલોડાના ધારાસભ્યના ઘરે આ લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી। ધારાસભ્યના ધર્મપત્નીને જ બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી। 16 લાખથી પણ વધુ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવાઈ હતી, ત્યારે ધારાસભ્યના ઘરે રસોઈ કામ સાથે જોડાયેલ નીકળ્યો છે આ ચોર। બંધક બનાવી તેણે જ લૂંટ આચરી હતી, ત્યારે આરોપીઓ ઝડપાઈ ગયા છે। આ લૂંટના મામલે SCB એ 3 આરોપીઓને હાલ ઝડપી લીધા છે। કુલ 7 લાખથી વધુ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ આરોપીઓ પાસેથી કબજે કર્યો છે। હાલ એક આરોપી પોલીસની પકડથી દૂર છે। અરવલ્લી જિલ્લામાં જે બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવી હતી તે ચોરીનો ભેદ તે લૂંટનો ભેદ હાલ ઉકેલાઈ ગયો છે। ધારાસભ્યના ઘરમાં જ આ ચોરી કરવામાં આવી હતી, આ લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી। અરવલ્લી જિલ્લામાં બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવી હોવાનો ભેદ ઉકેલાઈ ગયો છે। બિલોડાના ધારાસભ્યના ઘરે જ આ લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી। ધારાસભ્યના ધર્મ પત્નીને બંધક બનાવીને લૂંટ ચલાવવામાં આવી હતી। 15/9/2023 को हमें एक बातमी मिली कि जो हमारे MLA श्री हैं भिलोड़ा के, श्री PC बरंडा साहब, उनके घर में एक लूट का बनाव बना है, जिसके आधार पे पुलिस तुरंत उनके घर पहुंची और जो उस दिन घर पे थी अकेले जो विक्टम थी श्रीमती चंद्रिका बहन बरंडा साहब की मिसेस, उनसे हमने बातचीत की और हमें पता चला कि 2 अनजान व्यक्ति रात को करीबन 1:30-2 बजे के करीब घुसे अंदर और उन्होंने मैडम को बंदी बनाया और चोरी की, लूट किया उनके बेडरूम से। जैसे ही ये बातमी मिली, रेंज DIG साहब श्री वीरेंद्र सिंह यादव सर की डायरेक्ट मार्गदर्शन पर LCB, SOG, पेरोर फल्लो की डिफरेंट टीम्स बनाई गई और इसमें पता करवाया गया कि किसने ये बनाव किया है। काफ़ी ह्यूमन एंट्री यूज़ हुई, टेक्निकल सर्वेलेंस भी काफ़ी किया गया, पुलिस ने काफ़ी मेहनत की। करीबन 15 तोला सोना, जिसकी कीमत थी 9 लाख रुपए और 40,000 रुपए कैश गायब हुआ था। इसके अलावा सारा कुल मुद्दामाल सोना और चांदी जो MLA श्री का भी था, सब कुछ मिलाकर करीबन लूट में 16 लाख की लूट की गई थी। इसके ऊपर हमने FIR रजिस्टर करवाई शामला जी पुलिस स्टेशन में। काफ़ी दिन से पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही थी। आज रोज हमारे LCB PI KD गोहल को डायरेक्ट बातमी मिली हमारे ASI और हेड कांस्टेबल ASI शंकर भाई और हेड कांस्टेबल भरत सिंह से कि 2 शकमंद लोग जिन पर हमारी पहले से ही शक था कि ये लोग ये कर सकते हैं, वो राजस्थान के वीरपुर बॉर्डर से ये मुद्दा माल लेते हुए, थोड़ा सा जो ये लूट का माल होता है उसको लेकर आ रहे थे उसको बेचने के लिए। इसमें हमारी 2 टीम्स बनाई थी और उन्हें पकड़ा गया। जब उनमें से एक है राजेंद्र उर्फ राजू वेल जी, दामोद विचीवाड़ा का रहने वाला है, दूसरा कांतिलाल माला माथा विचीवाड़ा का रहने वाला है। जब इन दोनों का इंटरोगेशन हुआ तो पूरा ये खुलासा किया गया कि इसमें जो उनके घर में जो काम करता था नंदलाल नंदू मोहनलाल बरसात, करीबन 1 साल से काम करता था MLA श्री के घर से। ये मिला है 14 तारीख को सुबह, ये इन दोनों से मिला और इसने बातमी दी कि मेरे शेर शेतानी के घर में काफ़ी पैसे रहते हैं और मैंने पहले भी 50,000 की चोरी कर रखी है और इन्हें पता नहीं चला है, तो आप लोग टीम बनाइए और जाइए वहाँ और चोरी करके आइए, उसमें से थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा मेरा कट हो सकता है।